दोस्तों, आज हम इंसान जिस सदी में जी रहे हैं वहाँ भी क्राइम और चोरियाँ बढ़ गई हैं, और इन क्राइम करने वाले लोगों को हर एक देश अपने अपने हिसाब से सजा देती है। या तो अगर कोई अपराधी बहुत बड़ा अपराध करता है तो हमारे देश में उसे फांसी या उम्र कैद की सजा दे दी जाती है, और अगर छोटा अपराध हो तो उसे भी कैद की सजा दी जाती है, और दूसरे देश वाले भी हर एक अपराधी को अपने हिसाब से सजा देती है। लेकिन ये सजा देने का सिलसिला अभी अभी चालू नहीं हुआ है, बल्कि ये सिलसिला हजारों सालों से चल रहा है। लेकिन जब ये सरकारी कानून नहीं थे तो पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने हिसाब से सजा देते थे, लेकिन वो सजा कोई आम सजा नहीं होती थी, बल्कि दिल दहला देने वाली सजा होती थी, जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। तो आज हम उन्हीं खतरनाक सजाओं के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैक्ट एडवेंचर्स हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप में से ज़्यादातर लोग हमारी वीडियोस तो देखते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली जो सज़ा है उसे फ्लिंग पनिशमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुराने काल में जब असीरिया, जो अभी तुर्की और इराक के इलाके में मौजूद है, जब कोई इंसान असीरिया देश में अपराध करता था तो असीरियन रूलर्स उसे फ्लेइंग की सज़ा दिया करते थे। दोस्तों, इस फ्लेइंग पनिशमेंट में सज़ा मिलने वाले को पूरी जनता के सामने नंगा करके धीरे धीरे जिंदा लिटा कर उसकी त्वचा को चाकू से काट कर निकाला जाता है, और अगर कोई शरीर का हिस्सा किसी दूसरे हिस्से से बराबर नहीं होता तो पूरे शरीर की त्वचा को नोच लिया जाता है, और तब तक नोचते हैं जब तक पूरा शरीर प्लेन और चिकना ना हो जाता। इस सज़ा के दौरान अपराधियों को इतनी जलन होती है कि कई लोग तुरंत अपनी जान गंवा बैठते हैं, और कई लोग बहुत दिनों तक इस दर्द के साथ जीते हैं और बेरहमी से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और इस सज़ा के बाद पूरे शरीर से बहुत खून बहता है, जिसे वो अपराधी खुद अपनी आंखों से देखता है। दोस्तों, दूसरी सज़ा पिछली सज़ा से बेहद दर्दनाक है, जिसे ब्रेकिंग विल पनिशमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पनिशमेंट का इस्तेमाल यूरोपियन रूलर्स अपराध करने वाले पर किया करते थे। इस सज़ा के दौरान अपराधी को नंगा करके किसी बड़े बैलगाड़ी या रथ के पहिए को निकालकर पूरी जनता के सामने उन बड़े पहियों के कोर पर बांध दिया जाता था, और उस पहिए को बड़े प्रेशर के साथ घुमाया जाता था, और इन पहिए के घूमने की शुरुआत अपराधी के पैरों वाले साइड से होती थी, जिसमें अपराधी के पैरों की हड्डियां टूट सकें, और धीरे धीरे इस पहिए को पूरा बहुत बार घुमाया जाता था जिससे अपराधी के पूरे शरीर की हड्डियां टूट सके। जब वो पहिया घूमता था तो उस अपराधी के चिल्लाने की आवाज़ें पूरे इलाके में गूंजती थी, जिसे सुनकर मानो रूह कांप जाए। जब एक पहिए से अपराधी की हड्डियां टूट जाए तो उसे फिर से दूसरे पहिए पर बांध दिया जाता था, और उसी प्रकार फिर से उसकी हड्डियों को चूर चूर कर दिया जाता था। और इस पनिशमेंट को आखिरी बार 1941 में प्रशिया में किसी अपराधी के साथ किया गया था। दोस्तों, अगली पनिशमेंट जो है वो किसी नर्क की सज़ा से कम नहीं है। इस टॉर्चर का नाम है ब्रिजन बुल। दोस्तों, इस पनिशमेंट का आविष्कार एंशियंट ग्रीस में हुआ है। इस पनिशमेंट में होता यह है कि प्योर तांबे से बने बुल जैसे दिखने वाला एक चेम्बर, जिसमें एक साइड खुलने वाला दरवाज़ा होता है, पुराने काल में जुर्म करने वाले अपराधी को पूरे जनता के सामने उसके कपड़े निकाल कर उस बुल चेंबर के भीतर उस गेट के रास्ते अंदर डाल दिया जाता था, और उस बुल के नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में आग जलाया जाता था, जिससे उस चेंबर का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता था, और अंदर बैठे अपराधी की दर्दनाक चीखने की आवाज़ें आती थी, और उस बुल का मुंह भोपू के आकार में खुला हुआ रहता था, जिससे अपराधी के चीखने की आवाज़ें और तेजी से सुनाई देती थी, जिससे लगता था कि सांड घुर्रा रहा हो, और उस इंसान के जलने की बदबू उस सांड के नाक से निकलती थी। ये सज़ा का दृश्य बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता था। दोस्तों, अगली सज़ा देखने में दिल को दहला देने वाला लगता है, जिसका नाम रेड टॉर्चर है। इस टॉर्चर में कैदी से किसी चीज़ के खुलासे या उसे मौत के घाट उतारने के लिए काम आता है।
इस टॉर्चर के दौरान अपराधी को नंगा कर उसके शरीर में अन्य अन्य अंगों पर या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर पिंजड़ों को रस्सी से बांध दिया जाता है और उसमें खूंखार जंगली चूहों को छोड़ दिया जाता है। उस जगह पर कुछ खाने के सुगंध को लगा दिया जाता है जिससे चूहे उस अंग या उस जगह पर चबा चबा कर उस अपराधी को नरक का आभास देते हैं। कई बार ये सज़ा इतने एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है कि अपराधी की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दोस्तों, अगली पनिशमेंट इतिहास की सबसे बेरहम और दर्दनाक है, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि इंसान इतना कैसे गिर सकते हैं। इस सज़ा का नाम है स्कैफिज्म पनिशमेंट। इस सज़ा की शुरुआत एंशियंट पर्शियन रूलर्स ने की थी। इस पनिशमेंट में होता यह है कि अपराधी को बिन कपड़ों के कर किसी बड़े पेड़ के तने के अंदर छेद करके डाल दिया जाता था और उसके हाथ और पैर पूरी तरह से बंधे हुए रहते थे जिससे अपराधी हिल डुल ना सके, और अपराधी के ऊपर पूरे शरीर में शहद लगा दिया जाता था, खासकर नाक और कान के अंदर। उस अपराधी को वहाँ छोड़ दिया जाता था और समय के बीतते ही आसपास के कीड़े मकोड़े उस शहद को खाने के लिए आते थे, जिससे वो उस अपराधी को दर्दनाक तरीके से धीरे धीरे खाने लगते थे और वो अपराधी अपने आप को जिंदा कीड़े मकोड़ों के द्वारा खाते देखता था। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो अपराधी ऐसे तड़प कर दर्दनाक मौत मर जाते थे और उनका शरीर देखने लायक नहीं बचता था। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन सजाओं में से कौन सी सज़ा सबसे दर्दनाक लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।